हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है, तो बिना कर्म के बिना सेवा के तो रह नहीं सकते और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा का रूप रेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलहना रहा, इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत किसी देना इसलिए स्वपुरुषार्थ नहीं, और ही सेवा में ही स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा है, क्योंकि माया को आने की मार्च सेवा में बहुत प्रकार से होती नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन प्राप्ति हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा भी स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया पुराने रूप में नहीं है, नए नए रूप में नए नए स्थिति के रूप में संवरण के रूप में आती, तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिता दे एक मास बिताए 15 दिन बिताए तो कर्मांतित हो जाए एक मास दिए बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मांतित बन जाएंगे, बन जाएंगे, नहीं बने। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे,
रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी और ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। दुआएं दो और दुआएं लो। असमर्थ आत्मा को समर्थ दो। जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं, तो आप सब में भी जो शक्तियां हैं उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे तब वे आपको दिल से दुआएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है अभिव्यक्ति परिवार में। आज है दिन आठवां। दुआएं दो, दुआएं लो। आज का शीर्षक है असमर्थ आत्मा को समर्थ दो। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ओके हैं। मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं आप हर एक में से। मैं ठीक हो रही हूँ, मैं हमेशा ठीक हूँ, लेकिन आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। एक बार हमने बात की थी सकाश के बारे में कि सकाश देना और सकाश लेना। डिस्कशन कर रहे थे, दादी जानकी भी वहां पर थी और दादी ने कहा पर्सनल सकाश किसी को नहीं देना है। तो फिर पूछा कि कैसे करें, फिर उन्होंने कहा सिर्फ लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, क्योंकि लाइट हाउस एक ही शिप को सिर्फ खास करके लाइट नहीं देता है, लेकिन वो रोटेट होती रहती है लाइट और सभी को डायरेक्शन यानी कि दिशा दिखाती रहती है शिप्स को। उन्होंने कहा क्योंकि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप स्वीकार करते हैं, यूज करते हैं, आपकी बुद्धि उसी आत्मा की तरफ ही खींचती जाएगी। उसी प्रकार सकाश की बात है, जब सकाश दे रहे हो तो वो आत्मा फिर आपको ही याद करता रहेगा बाबा की जगह पे। इसलिए मुझे ये ब्लड बैंक की बात पसंद है, स्पर्म बैंक भी है, कितनी सारी बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि आपको कुछ भी डोनेट करना है
आप बैंक को दे दो। जब किसी को भी जरूरत है उस ब्लड की तो ब्लड बैंक डोनेट करता है, नहीं तो अगर किसी को पता चलता है कि ये इसका इस व्यक्ति का खून मुझे मिला है, ब्लड मिला है, तो दोनों तरफ बात हो सकती है, तो बुद्धि भी खींची जाएगी और अंदर से भी बोझ महसूस होगा कि मैंने इस व्यक्ति से लिया है ब्लड, तो वो जैसे कि मिली जुली फीलिंग होती है, मिक्स्ड फीलिंग होती है। लेकिन जो भी दे रहा है और वो गुप्त है जिसने भी दिया है, आपको दुआएं मिलेंगी। वो व्यक्ति तो दुआएं, वो तो ब्लड दे रहा है, जाने अनजाने कोई दे रहा है, तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो मुझे ये बहुत पसंद है कि गुप्त होता है ये सब, उन्हें अच्छा नहीं लगता अपना नाम बताना, लेकिन कुछ है कि जानना चाहते हैं नाम, वो चाहते हैं कि हमारा नाम जाना जाए, सभी जाने कि इस दादी ने दिया, इस दीदी ने दिया। इसलिए मुझे परिभाषा पसंद है जो बाबा ने, एक है सेवा, दूसरा है स्वयं को आगे बढ़ाना, उसमें स्वार्थ है। तो उसी प्रकार हो सकता है वो इसके पास जाओ वो आपका निवारण दे देगा, इसके पास जाओ वो आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा। हर एक चीज मेरे लिए गुप्त होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, तो वो गुप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं जानी जाऊं किसी चीज के लिए। आप मोहिनी दीदी के पास जाओ, वो आपको अच्छा सुझाव देगी। ऐसे नहीं कि मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ, लेकिन जो भी अगर चाहते हैं, जरूरत है, तो श्रीमत को देख चलो। जब मैं सुझाव देती हूँ तो श्रीमत को देखो, आपके जीवन के अनुभव आपको मदद देंगे, उस पर आधारित है हम सुझाव देते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही सुझाव देते हैं, सब कुछ बाबा के श्रीमत के हिसाब से ही होता है। तो उसी प्रकार समर्थी हो या ब्लड हो, जो भी, जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में भी जो शक्तियां हैं, उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे, तब वे आपको दिल से दुआएं देंगे। हम में से हर एक जानता है, मैं दुआओं से पल रही हूँ, सभी के दुआओं से पल रही हूँ, क्योंकि आपको समर्थ अनुभव होता है, आप निरंतर उसमें रहते हो, तो ये गुप्त है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे दुआएं मिलती हैं आप सभी से, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इस आत्मा से मिल रही है और किस समय, लेकिन मैं दुआओं का जीवन जी रही हूँ, तो ये गुप्त है। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। You sound better. आपकी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, आवाज आपकी बेहतर लग रही है। It's nice to see you.
better. बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर. मैं सोच रही थी जैसे आपने बताया कि जैसे किसी को भी पता ना चले कि आप दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं तो भी, लेकिन अगर लोग सेंटर पर आते हैं वो किसी चीज के लिए आ रहे हैं. मैं ये नहीं कह सकती नहीं किसी और के पास जाओ, ये पर्सनल चीज नहीं है. मैं कैसे निर्णय लूं कि मुझे इस आत्मा को सर्व करना है, सेवा करनी है जब वो सेंटर पे आते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का समाधान चाहिए, तो मैं कैसे ये निर्णय लूं कि मैं लाइट हाउस बनकर गुप्त बनकर दूं? आप उनको सुझाव दो लाइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर, आप वो स्थिति बनाओ लाइट हाउस की, और जब भी सुझाव दो तो वो श्रीमत के आधार पर हो, बाबा की शिक्षाओं के आधार पर हो कि बाबा क्या कहेंगे, तो बाबा की शिक्षाएं यूज करो और शक्तियां, और आप निमित्त आत्मा हो उस समय, और जो भी जरूरत है आप दो. क्यों बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से खींची जाती है, मन भी खींचा जाता है कि ओ मेरा सुझाव काम कर गया, मैंने उसको ये दिया, तो ये बाबा की श्रीमत है, तो मेरा मतलब वो था कि अगर आपकी बुद्धि में बाबा है और बाबा के श्रीमत के हिसाब से आप सुझाव दो, बहुत अच्छा होगा. Very important distinction, Didi. Thank you very much. And we need to help. सूक्ष्म में भी कोई सी प्रकार की खींच नहीं होगी. Unnecessarily feel to be. और आत्मा को मदद भी मिलेगी. Right. One of the things that I was liking what you were saying is this. चीज मुझे पूछनी थी. जब आपने कहा कि गुप्त ब्लड बैंक होता है या गुप्त साकाश देना है या लाइट हाउस बनकर देना है, तो साकाश बैंक है कहीं पे? मैं साकाश दे रही हूँ, साकाश बैंक है कहीं पर, तो हम बना सकते हैं, बट डेफिनेटली आत्मा में तो जरूर, आत्मा में तो वो जमा होता ही है साकाश बैंक, कहीं और नहीं है, आत्मा में भी है, बट यहाँ पर भी हम बना सकते हैं. हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव साकाश बैंक, आधा घंटा एक घंटा उसके साकाश की जो तेज होगा उसका उस पर आधार करेगा. आज की मुरली से मुझे कुछ सवाल हैं. बाबा ने कहा ट्रांस मैसेंजर जाते हैं और उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है, तो जब आप पहले ट्रांस मैसेंजर बने तो कैसे बाबा ने जैसे आपको भेजा था तो वेरीफाई किया था, तो आप शेयर करिए वो कहानी. उस समय हम बहुत कम लोग थे जब न्यूज आया सेंटर से कि ये ट्रांस में जा रही है या ये कह रही है कि बाबा का संदेश मिला, और बाबा उन्हें मधुबन में आमंत्रण देते. मैं ये नहीं कहूंगी बहुत आए, लेकिन मैं मधुबन में थी जल्दी सवेरे में 4:45 बजे, बाबा कहते थे आओ मेरे रूम में, और हम उनके सामने बैठते थे, जो बिस्तर था उधर सामने बैठते थे दीवार की तरफ से बाबा के बिल्कुल सामने. तो बाबा मुझे बहुत छोटा सा संदेश देते थे और देख कर आओ और बताओ फिर बाबा को. फिर बाद में किसी ने बताया, वो शुरू में तो नहीं बताते कि संतरी दादी वहां बैठी थी वेरीफाई करने के लिए, कि ये नहीं देखने के लिए कि मैं जा रही हूँ कि नहीं. बाद में मुझे पता चला तीन तरीके के ट्रांस मैसेंजर है. एक है आप ट्रांस में जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप सत्युग देखते हैं, और कुछ हैं दूसरे हैं जो
जिनको संदेश मिलता है उन्हें पता चलता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। तीसरा है जो संदेश लेकर जाते हैं और संदेश लेकर आते हैं, जैसे दादी गुलजार थी, वो मम्मा से या बाबा से मैसेज लाती थी, यज्ञ के लिए मैसेज लाती थी, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल क्लैरिफाई होते थे। तो वो था जैसे कि संदेश लाना, संदेश लेकर जाना और फिर लेकर आना, और दूसरे थे जो उन्हें प्राप्त होता था मैसेज और वो सुनते थे कि बाबा ये कह रहे हैं। ये कोई सवालों का जवाब नहीं था। और फिर कुछ सिर्फ वो देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये ट्रांस में जाते हैं और उन्हें ड्रामा के कई सीन दिखाई देते हैं, तो ये वो वेरीफाई करते हैं। फिर आपको एक उसके आधार पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के थे? तीसरी थे कि जो लेकर जाते थे संदेश और लेकर आते थे, मैं पहले थे या तीसरी भी थे? यज्ञ पूछते हैं कि कोई गहरा सवाल पूछते हैं कि संयम के बारे में या कैसे चलाएं यज्ञ को, तो हाँ मैं लाती थी फिर संदेश। हाल ही में आपने बताया कि निर्मला दीदी का 12वें दिन या 13वां दिन शशि दीदी ट्रांस में गई, आपका क्या अनुभव था उस समय? आप ट्रांस में नहीं जाते, सिर्फ योग में बैठे हैं या क्या हो रहा था? Recently, कब की बात पूछ रहे थे? हाल ही में, जब निर्मला दीदी का 12वां या 13वां दिन था, उस दिन की बात। जब भी कोई भोग ऑफर करता है या बैठता है, भोग ऑफर करने बैठते हैं, या शशि बहन भी जब बाबा आते हैं वो भोग ऑफर करती है, खींच तो बहुत होती ही है और आपको लगता है आप बाबा के साथ है। कभी कभी संदेश होता है, कभी कभी सिर्फ मिलन होता है बाबा के साथ, मिलन मनाना, बाबा के साथ शेयर करना, बहुत अच्छा अनुभव होता है। कभी कभी जैसे बाबा कहते हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हो? अगर वो फरिश्ता बन गई है तो आप सभी को ऐसा फील नहीं करना चाहिए। पार्ट उनका बदल गया है और वो बेहतर पार्ट है। शरीर ठीक नहीं था काफी समय से। कल जब कोविड में कैसे फील होता है, ठंडी में कैसे, सर्दी लगी, सर्दी में कैसा फील होता है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। अगर किसी का शरीर ठीक नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो परेशानी होती है शरीर को, शरीर ठीक नहीं लगता, खुशी नहीं लगती, तो मुझे लगता है कि जैसे कि वो मुक्त हो गई इस शरीर से और अब उसे दूसरा रोल प्ले करना है। मेरी बुद्धि ऐसे गई कि क्या वो हमारे साथ ही है लेकिन दूसरा पार्ट बजा रही है और दुख से मुक्त हो गई। अब हमारी आरसी मीटिंग होगी, हम उसे मिस करेंगे क्योंकि वो हमें मधुबन की न्यूज भी बताती है, वो बहुत सारी चीजें कार्य करने रहते हैं। तो हम उनको कहते थे मोहिनी बहन से बात करेंगे, शशि बहन से बात करो, ताकि वो उन सब चीजों को कर सके, कार्य कर सके। अब हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। एक चीज बाबा बोल रहे थे पिछले संडे की मुरली थी कि फॉलो फादर करो। मैं सोच रही थी ब्रह्मा बाबा का रोल क्या है हमारी याद में, कितनी देर बाप दादा को याद करना है या कितनी देर हमें अशरीरी बनकर रहना है। मुझे लगता है कि ये आधार है कि
समझो मुझे डायरेक्शन चाहिए, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या किया इस समय पर। तो ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो बाप दादा दोनों होते हैं, बाप दादा कंबाइंड है। जब आप ज्यादा करके बाप दादा को साथ रिमेम्बर याद करते हैं, बाप दादा कंबाइंड है, या आप सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। और अगर मुझे बाबा के हिम्मत को देखना है, बाबा की दृढ़ता को देखना है, उनके समर्पित भाव को देखना है, उनका संबंध को देखना है, तो ये श्रीमत वो फॉलो कर रहे थे अपने जीवन में, कैसे उन्होंने मैनेज किया प्रतिक्रिया औरों की, तो ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। Because he is connected with Shiv Baba. लेकिन क्योंकि वो शिव बाबा से जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करते हैं। शिव बाबा ने उन्हें क्या बताया और वो फॉलो कर रहे हैं शिव बाबा को, तो वो हमेशा साथ में है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कितनी बार सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद करती हूँ, मैं अलग नहीं देखती हूँ उनको, क्योंकि वो कंबाइंड है दोनों सारा समय। अब मैं समझती हूँ जब दादी जानकी कहती थी कि मैं उनको अलग नहीं कर सकती, और जब आप अभी पूछ रहे हैं और मैं देख रही हूँ मेरे याद करने का तरीका, मैं हमेशा उनको साथ ही देखती हूँ। उस दिन बाबा ने कहा साकार मुरली में कि वो साइमीज ट्विन्स हैं, जुड़े हुए हैं, वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। Alright, दीदी, thank you. ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका। ओके श्रीमान, ओम शांति।